नॉर्थ ईस्ट फिल्म फेस्टिवल जो है वो दिल्ली में शुरू हो गया है। हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद है मेघालय सीएम मुकुल संगमा सर। आइए बात करते हैं सर, नॉर्थ ईस्ट फिल्म फेस्टिवल आज दिल्ली में स्टार्ट हुआ है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो है इतना इनिशिएटिव जो है लिया हुआ है, तो उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? ये काफ़ी एक कदम जो है, लास्ट ईयर हमने सिमिलर नॉर्थ ईस्ट फिल्म फेस्टिवल एडिशन, नॉर्थ ईस्ट एडिशन था गोवा में, जहाँ पे अपना इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया होते हैं। सो इट वॉज द फर्स्ट एडिशन दैट वी हैड इन गोवा। सबसिक्वेंटली हमने शिलोंग पे अपना स्टेट ऑफ मेघालय पे किया है इस साल इन द बिगिनिंग ऑफ द ईयर। और ये अच्छा है कि अभी ये नेशनल कैपिटल में नॉर्थ ईस्ट फेस्टिवल करके एक प्लेटफॉर्म जुड़ने के लिए एक मौका दे रहे हैं, और ऐसे ही हम उम्मीद करते हैं कि और दूसरा मेट्रोस में भी ये प्रोग्राम हम करें, कि ये इंडियन कल्चर और एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री कितना डाइवर्स है, कितना बड़ा है, और क्या कितना बड़ा अपॉर्चुनिटी एक देने का साथ साथ एक लोगों को जोड़ने का एक मौका भी दे। कि हम अभी हिंदी बोल रहे हैं, मैं हिंदी तो पढ़ाई नहीं किया हूँ, लेकिन हिंदी फिल्म देख के तो मुझे हिंदी जो जितना तक बोलने के लिए आ रहा है इतना तक आया है। तो इसी तरह हम भाषा को समझने के लिए, एक संस्कृति को समझने के लिए एक मौका मिलते हैं फिल्म का थ्रू। और एक ये भारत में अपना देश में इतना बड़ा एक डाइवर्स कम्युनिटी जो है, कल्चर जो है, इसको समझने के लिए एक मौका दिया जाता है, तो एक अच्छा एक शुरुआत है। लेकिन इसको हम जोर से और आगे ले जाना पड़ेगा, और इसका साथ साथ देश का लोगों को अपना नॉर्थ ईस्ट का लोगों का साथ, सबका साथ जोड़ने का मौका का साथ साथ इसमें भी एक अपॉर्चुनिटी क्रिएट करता है, एक प्लेटफॉर्म की अपना जो हिडन टैलेंट्स इतना है अमंगस्ट द आर्टिस्ट, अमंग द क्रिएटिव राइटर्स, सबके लिए एक 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 मौका देते हैं, एक प्लेटफॉर्म होते हैं ग्रो करने के लिए। एंड दिस इज़ अ सेक्टर विच वी लुक एट एज एक सेक्टर जहाँ पे हम इनिशियल सपोर्ट करने के बाद में लोगों खुद एक अपॉर्चुनिटी अपना लोगों के लिए क्रिएट करते हैं, एक एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी, एंटरप्रेन्योरशिप अपॉर्चुनिटी। हाँ, एक छोटा एंटरप्रेन्योर होके जो छोटा एक डॉक्यूमेंट्री फिल्म शुरू करते हैं, वो भी धीरे धीरे बड़ा बनने का एक उम्मीद रखते हुए अगर कोशिश करे तो बड़ा बनने के लिए जरूर मौका मिलेंगे। तो ये एक प्लेटफॉर्म है जो सबके लिए अच्छा है, और इसको हम सरकार का तरफ से हम जितना सके स्टेट गवर्नमेंट, यूनियन गवर्नमेंट सब अपना अप्रोप्रिएट सपोर्ट देना चाहिए। बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से आपको, आप इसको किस तरीके से देखते हैं? देखिए, जब फेस्टिवल होते हैं, ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ हर बैकग्राउंड ऑफ दिस पर्टिकुलर एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री का आदमी आके जुड़ सकते हैं। तो एक एक कंप्लीट एक्सपोजर टू ईच अदर्स कंसेप्ट और अपॉर्चुनिटी जो है साथ साथ जो जुड़ के आगे ले जा सकेंगे वो सब हो सकते हैं। सो अपॉर्चुनिटीज़ ग्रो अप, वी कैन टाई अप विथ मेनी अदर पीपल, देन पीपल इन द इंडस्ट्री कैन एक्चुअली गेट इन टच विथ एनी ऑफ द पीपल हु आर इन द स्टार्टअप्स एंड प्रोवाइड देम द काइंड ऑफ सपोर्ट। सर, एक लास्ट सवाल, यंग फिल्म मेकर्स के लिए आप क्या मैसेज देना चाहते हैं? यंग माइंड इज अ क्रिएटिव माइंड, सो कीप इट अप एंड देन सी दैट यू आर अमंगस्ट द बेस्ट एंड ट्राई टू शो इट। सर, हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।